पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी ने अब उत्तर प्रदेश के रास्ते से महाराष्ट्र में कमल खिलाने की कवायद शुरू की है। महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है, जिसे केशव प्रसाद मौर्य मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे उत्तर भारतीय समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुंबई के गोरेगांव पूर्व इलाके के श्यामवाड़ी हॉल में क्षेत्र के प्रमुख उत्तर भारतीयों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को प्रेरणा स्रोत्र बताया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमेशा उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीय भाइयों के मान सम्मान व हक के लिए खड़े रहेंगे और उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम करेंगे। यहां आया था तो उससे पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा नरेंद्र जी को मतलब मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को तो आपने प्रधानमंत्री बना दिया, नरेंद्र जी प्रधानमंत्री और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, या दोनों की जोड़ी टूटने नहीं पाएगी, अब मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मोदी जी की मजबूती थी, मोदी जी को और ताकतवर बनाने के महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनाना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। यह आप सबको मैं महाराष्ट्र है तो महाविजय का आह्वान है मेरा आप सबसे। इस मौके पर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अमरजीत मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। वहीं दक्षिण मध्य मुंबई जिला से राधेश्याम वर्मा ने कहा कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कमल खिला, ठीक उसी तरह मुंबई और महाराष्ट्र में भी भारी मतों से कमल खिलेगा, ऐसा विश्वास जताया। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री अमरजीत मिश्रा, श्री आर्यु सिंह, दक्षिण मध्य मुंबई जिला से श्री राधेश्याम वर्मा, श्री लाल साहेब सिंह, श्री चंद्रभूषण सिंह, श्री राजेश रस्तोगी व अन्य बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविजय होगी, देश के अलग अलग राज्यों से जो भी उत्तर भारत सहित यहाँ महाराष्ट्र में निवास करते हैं उन सहित पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, पूरे देश में उनके कामों को, उनके आदर्शों को घर घर पहुंचाने के लिए कोई बहुत समारोह जल्लोष नहीं किया जा रहा है, बल्कि सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। लोग जो जिनकी आवश्यकता है उनकी सेवा कर रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं, ऐसे समारोह आयोजित किए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में अगली सरकार आएगी, ये हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोगों की भावनाओं को देखने के बाद हम ये दावा कर सकते हैं कि आने वाली सरकार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस की सरकार। सबसे पहले तो मैं उनको अपने और अपने उत्तर भारतीय समाज की तरफ से धन्यवाद दूंगा। वो पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में प्रवास कर रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, छोटी छोटी सभाओं में पहुंच रहे हैं, एक एक वार्डों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, सारे समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो एक एक उत्तर भारतीय समाज से संकल्प दिलाने का भी कार्य कर रहे हैं कि जैसे हमने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बड़ी मतों से विजय प्राप्त करके वह हमने वहाँ पे सरकार बनाई है, ये हमारे उत्तर भारतीयों की ताकत है कि हम वहाँ नहीं, हम महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी विजय प्राप्त करके और जो है महाराष्ट्र में भी सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत में पूरी सरकार जो है यहाँ की, मतलब फिर से देवेंद्र फडणवीस जी की वापस आएगी, भारी मतों से आएगी, उत्तर भारतीय समाज के ताकत से आएगी, सारे उत्तर भारतीय एक साथ एकजुट होके 100% योगदान दे रहे हैं, 100% जिसको कहते हैं हम हिंदी में अपने, कि सारे 100% मतदान योगदान देने के लिए सब एक साथ आ रहे हैं, जो जहां होता है जैसे भी होता है। आज यहां जो संख्या आपने देखा, इसमें ऐसा नहीं है कि यहां पे कुछ उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा
ये डिब्बे नहीं है, इंजन है। उन्होंने बताया कि हर उत्तर भारतीय आज जो बैठा है वो काफ़ी अपने आप में एक सशक्त व्यक्ति है और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हर आदमी पे वो एक अपना प्रभाव भी रखता है, चाहे वो प्रेम बस रखता हो, चाहे वो अपने व्यवहार बस रखता हो। और उस हिसाब से उन्होंने संकल्प दिलाया कि आप लोग 21 तारीख तक ये जवाबदारी संभालें और इसको विजय के रूप में आप लोग जो है हमें समर्पित करें। और इसके बाद 21 के बाद उन्होंने आह्वान भी किया कि हम सब उत्तर भारतीयों के साथ हैं, ऐसा मत समझो कि मैं यहाँ पे ही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में भी, मैं आप लोग को जो भी दुख होगी तकलीफ होगी उसमें मैं आप लोग के साथ खड़ा रहूँगा, आप कभी भी आइए, उसके लिए उन्होंने वेलकम भी किया, उम्मीद भी रखी। तो मैं चाहता हूँ कि हम उत्तर भारतीय इस समाज से जो जुड़े हैं और वैसे भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग जुड़े ही हैं, इसलिए पूरी ताकत तन्मयता के साथ हम लोग काम करने का कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का विजय प्राप्त होगा, ऐसा हमारा मानना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।